नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी और आप देख रहे हैं दिल्ली 99। शुरुआत करेंगे आज की खबरों के साथ। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल हिमाचल के दौरे पर शिमला पहुंचे, जहां उन्होंने अपने परिवार के साथ शिमला के माल रोड से खरीदारी की और उन्होंने क्रेडिट कार्ड के जरिए भुगतान किया। केरल के कोझिकोड में नीपा वायरस तेजी से फैल रहा है और इस वायरस के चलते 6 लोगों की मौत हो चुकी है। और आपको बता दें, ये वायरस चमगादड़ के जरिए फलों तक और फलों के जरिए लोगों तक पहुंच रहा है, जिससे सभी को सचेत रहने की जरूरत है। हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को केंद्र सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। दरअसल जो यात्री अपना टिकट कैंसिल करते हैं तो उन्हें उनका पूरा रिफंड मिलेगा। आपको बता दें, ये नियम देशी और विदेशी एयरलाइंस पर लागू होगा। कर्नाटक में जेडीएस नेता कुमार स्वामी आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो वहीं आपको बता दें, कर्नाटक में कांग्रेस के अध्यक्ष परमेश्वर आज डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे और ये सारा प्रोग्राम 4:30 बजे विधानसभा में होगा। और अब बात करेंगे बॉलीवुड की। बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता अब एक्टिंग में डेब्यू करती नजर आ रही है। दरअसल उनका एक एड की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और खास बात यह है कि श्वेता अपने पिता अमिताभ बच्चन के साथ ही इस एड में नजर आएंगी। फिलहाल खबरों में इतना ही, और अधिक खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें दिल्ली 99।